नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पर, जो कि अधूरा रह गया था। हमने दो प्राकृतिक क्षेत्र देख लिए थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अभी दो बचे हुए हैं तो उनको हम आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि 68,064 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का ये 50.34% होता है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको कि महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में विस्तृत है। ये ऊपर में सरगुजा संभाग, यहां नीचे बस्तर संभाग, तो बीच में क्या बच गया, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ये तीनों जिलों के, तीनों संभागों के सभी जिले इस मतलब इस प्राकृतिक प्रदेश में सम्मिलित हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कल ही मतलब मैं पिछला वीडियो जो बनाया था एक और छत्तीसगढ़ के जिलों के विषय में, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जिलों के बारे में जानकारी हो चुकी होगी, तो उसका भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो यहां है बिलासपुर, बिलासपुर और साथ ही में मुंगेली, इस तरफ कोरबा, यहां जांजगीर चांपा और ये क्या रायगढ़। पांच जिले हो गए बिलासपुर संभाग के। अब यहां से देखते हैं, ये ऊपर में कबीरधाम, नीचे करियाबंद, ये दुर्ग, ऊपर बेमेतरा, नीचे बालोद। ये थोड़ा ठीक से बना नहीं, फिर भी ये रायपुर संभाग के पांच जिले, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। इसके बाद ये दुर्ग संभाग। तो ये 15 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत अथवा महानदी बेसिन के अंतर्गत। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देना है कि ये जो राजनांदगांव जिला है, यहां नीचे का एक तहसील मोहला, याद रखिएगा मोहला तहसील, मोहला तहसील जो कि राजनांदगांव के दक्षिण में स्थित है, राजनांदगांव जिले में दक्षिण में स्थित है। तो ये जो मोहला तहसील है वो इस छत्तीसगढ़ का मैदान में सम्मिलित नहीं है। ये कहां आता है, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। तो 15 जिले, उनमें से राजनांदगांव जिले का मोहला जिला को छोड़कर, कितना याद रहेगा। अब आगे देखते हैं भूगर्भिक बनावट, अर्थात कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसमें कौन सा शैल समूह का विस्तार है। तो इसमें आपको मिलेगा शैल समूह कड़प्पा, कड़प्पा शैल समूह। अब कड़प्पा शैल समूह है तो यहां जो खनिज प्राप्त होगा वो होगा चूना। इस पूरे क्षेत्र में कौन सा खनिज बहुत आयत में पाया जाएगा, चूना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं, जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार में मैंने कोयला बताया, जसपुर में मैंने बताया बॉक्साइट, तो वहां दूसरे खनिज नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, दूसरे खनिज भी मिलते हैं, लेकिन बहुत आयात में पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोयला मतलब सबसे ज्यादा, हाँ बाकी जो खनिज है उससे थोड़ा कम मिलेगा। और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मैंने बताया था बॉक्साइट, लेकिन वहां जो है यूरेनियम, अभ्रंक जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है बॉक्साइट पाया जाता है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बाकी जो दूसरे खनिज हैं, यहाँ कोयला भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, लेकिन वो जो है इसकी तुलना में कम पाया जाता है, चूना पत्थर की तुलना में। अब यहाँ चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ जो है सीमेंट फैक्ट्रियां सर्वाधिक है इसी छत्तीसगढ़ के मैदान में। अब आगे देखते हैं
कि इसका ढाल किस तरफ है छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो इसका ढाल है पूर्व की ओर अर्थात इस तरफ। इसका ढाल पूर्व की तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो नदियां हैं वो सब पूर्व की ओर बहती होंगी। अब यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो याद रखना है आपको महानदी। तो छत्तीसगढ़ का मैदान की जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। महानदी जो कि धमतरी जिले के, धमतरी ये यहाँ के सिहावा पर्वत से निकलती है और लगभग लगभग इस पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान में बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और फिर आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ की जो अधिकांश नदियां हैं सब महानदी में आकर मिलती है। तो कुछ नदियों के नाम याद रखिएगा, महानदी, शिवनाथ, उसके बाद इधर से कई सारी नदियां आती है, मनियारी, अरपा, ऊपर से आती है पूर्वी बघेलखंड के पठार से हसदो नदी, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश से मांड और ईब नदी बहकर आती है जो कि महानदी का ही हिस्सा है, महानदी अपवाह तंत्र के हिस्सा है। अब हम देखते हैं मिट्टी, तो मिट्टी पाई जाती है यहाँ लाल पीली मिट्टी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, यही जो लाल पीली मिट्टी है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ धान का खेती सर्वाधिक होता है। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि धान का ही खेती सर्वाधिक होता है, मतलब धान का ही खेती होता है, किसी और का खेती होता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ धान का खेती सर्वाधिक होता है, बाकी जो दूसरी फसलें हैं वो धान की तुलना में कम होती है। यहाँ जो गन्ना, गेहूं आदि फसलें भी उगाई जाती है। अब देखते हैं वर्षा, वर्षा होता है यहाँ औसतन 125 सेंटीमीटर, मतलब साल का जो भी औसत निकालें तो उसमें 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। यहाँ एक क्षेत्र है याद रखिएगा कवर्धा में, ये कवर्धा जिला है, तो कवर्धा जिला जो है मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो पूरा क्षेत्र है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर का जो क्षेत्र है मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कवर्धा जिले में जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, मतलब कि कवर्धा एक ऐसा जिला है जहां बहुत कम वर्षा होता है। अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वर्षा होता है तो वह है कवर्धा जिला का मैकल पर्वत श्रेणी, जो कि जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होता है, और मैंने ये भी बताया था कि अबुझमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, जिले के हिसाब से जसपुर और क्षेत्र के हिसाब से अबुझमाड़, हाँ, और वही सबसे कम वर्षा कवर्धा अथवा कबीरधाम। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर जांजगीर चांपा, या जांजगीर चांपा जिला है, तो वहां का जो चांपा है वो सर्वाधिक गर्म जगह है। मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जो मैनपाट है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा जगह है, मतलब सबसे ज्यादा ठंड मैनपाट में पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी चांपा में। अब आगे देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ का जो पठार है, अगर हम देखें तो उसके उत्तर में पठारी पर्वत, पठारी क्षेत्र है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, ये मतलब पूरा पठार ऊंचा वाला भाग है। और नीचे जो दंडकारण्य का पठार जो दक्षिण में है ये भी पठार है, मतलब ऊंचा है। और छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदान मतलब वो प्लेन है, थोड़ा नीचे में होगा इनकी तुलना में। तो वही इसके जो पश्चिम, पश्चिम इस तरफ और पूर्व इस तरफ, तो इस तरफ भी जो है उच्च भूमि है, मतलब कि थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसको देख लेते हैं। क्योंकि हमने उत्तर और दक्षिण का मैंने बता दिया, उत्तर में पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो कि पठारी क्षेत्र है, और दक्षिण में दंडकारण्य का पठार। तो अब हम देखते हैं पश्चिम, पश्चिम में जो इस तरफ राजनांदगांव वाला क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी। अब इस मैकल पर्वत श्रेणी में जो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है मैकल पर्वत श्रेणी की, वो है बदरगढ़, याद रखिएगा बदरगढ़। उसके बाद पूर्व में अर्थात इस तरफ महासमुंद रायगढ़ तरफ, तो यहाँ है महासमुंद जिले में शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत जहां सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर, याद रखिएगा धारी डोंगर। तो ये था छत्तीसगढ़ का मैदान के विषय में। अब हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि 39,060 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें जिले देख लेते हैं कि कौन कौन सा जिले सम्मिलित हैं। इसमें पूरा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के सातों जिले,
बस्तर संभाग के सातों जिले ये सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। अच्छा यहाँ कांकेर बनाना भूल गया सॉरी। इसके बाद ये कांकेर जिला छोटा छोटा बन रहा है। खैर अब कांकेर, कोंडागांव, अच्छा यहाँ बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर सात जिले। लेकिन मैंने पहले बताया था जो छत्तीसगढ़ का मैदान का जो राजनांदगांव जिले का मोहला तहसील वो इस दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, तो ये जो मोहला तहसील है वो भी इसी दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। तो इसके साथ कितने जिले हम लेंगे? आठ जिले। हाँ, इसको हमें आठवां जिले के रूप में लेना है, मोहला तहसील राजनांदगांव, सिर्फ मोहला तहसील राजनांदगांव का। अब हम देखते हैं, जिले हमने देख लिए आठ जिले, अब देखते हैं इसकी भूगर्भिक बनावट, मतलब कि इसमें कौन सा शहर समूह सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है धारवाड़, अब धारवाड़ शैल समूह है, मतलब यहां खनिज कौन सा मिलेगा? लोहा। यहां जो सर्वाधिक खनिज पाया जाता है वो है लोहा, जो कि यहां के जो दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में पाया जाता है, वहीं नारायणपुर के रावघाट, वहीं कांकेर में भी लोहा पाया जाता है। इसके अलावा, लोहा के अलावा यहाँ टीन भी पाया जाता है दंतेवाड़ा जिले में, और सुकमा जिले में टीन भी पाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ बस्तर के टोकापाल नामक क्षेत्र में, बस्तर जिला यहाँ, तो बस्तर में हीरा भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है लोहा, लेकिन इसके अलावा टीन, हीरा और दूसरे खनिज भी पाया जाता है। अब इसका ढाल देखते हैं, इसका ढाल होता है पश्चिम से दक्षिण की ओर। पश्चिम से दक्षिण, अर्थात यहां की नदी मतलब पहले पश्चिम की ओर बहेगी, नदियां पहले पश्चिम को बहेंगी फिर दक्षिण की ओर। तो यहाँ की जो नदियां हैं वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ की प्रमुख नदी याद रखिएगा इंद्रावती, इंद्रावती जो कि उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है और आगे जाकर वो गोदावरी नदी में मिल जाती है। यहाँ की अन्य प्रमुख नदी है सबरी, सबरी नदी जो वो भी उड़ीसा से निकलती है और गोदावरी में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ संकनी, डंकिनी नदियां भी हैं, उनको भी याद रखिएगा, साथ में नारंगी, बोर्डिंग आदि नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ जो मोहला तहसील है राजनांदगांव का, वहां से एक नदी आती है कोटरी नदी, वो भी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। इसके बाद यहाँ मिट्टी देख लेते हैं, तो मिट्टी यहाँ पाई जाएगी लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी। तो यहाँ भी धान की फसल ली जाती है। इसके अलावा, धान के अलावा यहाँ कोदो कुटकी, याद रखिएगा कोदो कुटकी मोटे अनाज, धान की फसल के साथ साथ कोदो कुटकी और मोटे अनाज। इसके बाद वर्षा देख लेते हैं, तो वर्षा यहाँ भी 125 सेंटीमीटर औसतन, लेकिन जो सर्वाधिक जो वर्षा होता है, वर्षा वाला क्षेत्र है नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में, ये नारायणपुर, तो यहाँ के अबुझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। वही जिले के मतलब सर्वाधिक जिला जो वर्षा वाला जिला वो जसपुर जिला, यहाँ तो वर्षा 125 सेंटीमीटर याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ की पहाड़ियां देख लेते हैं, ऊंची पहाड़ी, तो यहाँ है दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी, और वहां जो है सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। नंदीराज को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का ये दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था गौरलाटा, जो कि जसपुर सामरीपाट प्रदेश के अंतर्गत सामरीपाट में है। सामरीपाट किस जिले में? बलरामपुर। और जिसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? 1225 मीटर। तो उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है ये नंदीराज, 1210 मीटर। तो ये था दंडकारण्य का पठार। ये जो पर्वत वर्वत है और जो नदियां आई है इसमें, जो खनिज वनिज मैंने जो थोड़ा थोड़ा बताया है, तो इन सब के लिए मैं अलग से जो आगे वीडियो बनाऊंगा, जो प्रमुख जो पर्वत चोटियां हैं उनके लिए बनाऊंगा, उस बाद नदियां बनाऊंगा, तो उन सब में इन सब चीजों को और डिटेल से देखेंगे। तो मैंने आज के वीडियो में जो भी आपको बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।